गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। रात तो मिर्जापुर दिखाओगे ना आप? मिर्जापुर दिखाएंगे। उदय है उदय, इसको मिर्जापुर देखना। मिर्जापुर चलेगा क्या? अरे नहीं नहीं सर, आप बोल रहे थे इसलिए। मिर्जापुर जो है ना वो लेजेंडरी के लिए है। तुम लोग पेड़ तो आप देखते हो क्या कहते हो? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। गुड नाइट। कल कहाँ तक करवाया था, याद है कुछ? यस सर, नोट लिखे थे चार पॉइंट की। हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर वो जो इंटीजर वाला क्वेश्चन है ना वो करवाऊंगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस किया था। Hydrolysis of a strong acid and weak base. Question करिए थे कि नहीं तुम लोग? किए थे सर एक। नहीं, वो calculate किया तो फुलाने वाला क्या? अरे वो सर आपने लास्ट में वो करवाया था, वो नोट KH KW by KB होता है वो सब। NH4OH वाला question। और KH की value H की। ठीक है, एक question लिखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन लिख रहे बताना हुआ है कि नहीं हुआ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन वैल्यू। ये करवा दिया है? हां सर। हां वो 200 ml ऑफ 0.1 मोल NH4OH वाला हो गया। ये हो गया था? यस सर। अब आगे लिखो सर आप डाटा। वही है 200 ml of लिखो फिर बताते हैं। हाँ ये हो गया। वो हो गया सर। क्या हो गया? इसका एक सेकंड पार्ट था, क्वेश्चन वो नहीं करवाया हमने शायद, जहाँ तक मैंने याद है। चार पार्ट किए थे हमने इसके। 0.1 मोल है। चार पार्ट थे KH। सारा हो गया ऐसे। अरे वो बिल्कुल हटके है ना। 200 ml of 0.1 molar HCl। ठीक है। इसमें देख क्या निकालना। आपने कल निकाला था ना इसका पीएच, पीएच की वैल्यू याद है कितना आया था? 5.15 यही आया था ना। ये ऊपर वाले डाटे के लिए मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कैलकुलेट द चेंज इन पीएच। कैलकुलेट द चेंज इन पीएच when 0.05 molar NaOH is added in the above reaction. चल बताओ। देख निकालना आसान है, लेकिन अब पहले तो तेरे को ये समझना होगा कि तूने जो NaOH डाला ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ या किसके साथ? कोई एब्सेंट भी है क्या? मुन्नी पीयूष आ गया आज? हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन समझ में आया? ऊपर वाले डाटे के लिए ना बोला उसमें जीरो। ये कल ही वाला क्वेश्चन है। पीएच की वैल्यू कल अपन ने निकाल लिया था, केएच की वैल्यू भी निकाल लिया था। अब आपको दिया ये गया है ना कि अगर आप 0.05 मोलर NaOH ऐड करते हो तो पीएच में कितना चेंज आएगा। जगह उधर वो दो रख दिए हो ना, पैर हो गए कम पड़ जाती कभी कभी। सर अब तक यही करवाया है ना? हाँ ये पहला क्वेश्चन ही है, कल जो करवाया था ना। हाँ सर वही लास्ट वाला क्वेश्चन है। बस क्या किया है मैंने, अब बोला 0.05 मोलर NaOH ऐड किया है तो पीएच क्या होगा। ओके सर।
इसके साथ रिएक्शन करेगा, मेन वही है बस, वो पता चल गया काम हो जाएगा। HCl देखना आपके पास NH4 रिएक्शन है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। किसके साथ? HCl तो खत्म हो गया था, ये दोनों खत्म हो गया ना, तो बचा कौन था बस? NH4Cl बचा। NH4Cl रिएक्शन इसी के साथ होगा ना? हाँ। तो NH4Cl plus NaOH क्या बन जाएगा? NH4OH और प्लस में NaCl। ये कितना बना था NH4Cl? 20। अरे तो 0.1/20 था, 0.05 बना था, ये भी 0.05 है, तो स्टार्टिंग में जीरो, लेकिन बाद में ये कितना बन जाएगा? 0.05। बिल्कुल लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है? ये वीक बेस है ना, वही बच रहा है ना? अरे फाइनली आपके पास वीक बेस, तो इसका पीएच कैसे निकाल दो आप? ओएच का माइनस का कंसेंट्रेशन क्या होता है? सी अल्फा ना, आप फाइंड करो। केवी का फॉर्मूला याद है ना या भूल गए? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। NH4OH केवी की वैल्यू दिया है क्या? केवी कल दिए थे ना, केवी की वैल्यू कितना बताया था? 10। हां हां, ओए यहां से बताओ अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी ना, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 का पावर -5 अपॉन में 0.05। अल्फा की वैल्यू जब आ जाएगी तो आप OH माइनस में निकाल सकते हो, और जब OH माइनस आएगा तो POH फिर PH। चलो निकालो, थोड़ा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ आगे बढ़े ना, निकाल लोगे ना इसको? सर रुको रुको, सर ये रूट के अंदर 20 आ रहा है। तो अब रूट के अंदर 20 वो तुम निकाल सकते हो ना, इतना 20 सर। फिर ये OH माइनस का तो अल्फा से निकालना है ना बेटा? देख अब कैलकुलेशन तो तुम लोग को करना है ना, इतना तो कर ही सकते हो यार, कॉम्प्लेक्स होगा थोड़ा सा, लेकिन मैथ के स्टूडेंट तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फॉर्मूला पार्ट यूज होगा, हटा दे सारा। अब ये OH माइनस के लिए सी अल्फा यूज करेंगे ना? हाँ हाँ, सी अल्फा, सी की वैल्यू पता है, अल्फा ऊपर दे रखा है, तो 10 का पावर -3 मतलब 10 का पावर -1 निकल जाएगा, 1/10 का रूट चल रहा है। सर फिर पी ए चले के सब ट्रैक कर देंगे ना? OH माइनस 10 का पावर -5 आ रहा है। OH माइनस 10 का पावर -5 आ रहा है। अच्छा, तो रूट में आ रहा है कुछ? मैं तो 20 रूट 2 रूट 2 इनटू 10 की पावर माइनस सी अल्फा है ना? अच्छा हाँ हाँ, माइनस के इनटू सी, यही होता है ना, के बी इनटू सी, KV की वैल्यू 10 का पावर -5, और ये कितना? 0.05 मतलब 5 इंटू 10 का पावर -2 -2 तो ये कितना हो गया? 5 रूट 5 इंटू
root 5 into 10 का पावर माइनस 7 बाय 2 वाली वैल्यू अपने को OH माइनस मिल गई कितना 5 into 10 का पावर माइनस 6 into 10 का पावर माइनस 1 ये यहाँ से निकल गया तो 10 का पावर माइनस 3 आ गया और रूट कितना 1/√2 के पावर माइनस अब इसका निकाल लो ये OH माइनस होगा ऐसे करते हैं ना डायरेक्ट POH निकाल लेते तो कितना हो जाएगा माइनस आगे रखे तो लॉग 10 का पावर माइनस 3 और प्लस में 1/2 लॉग कितना 1/2 होगा ये होगा ना 5 1/2 बाहर निकाल कर ये इधर कर लिया तो ये माइनस 3 हो गया प्लस 1/2 लॉग 1/2 मतलब माइनस 0.3010 लिखा तो ये माइनस आगे ही रखते हैं माइनस 3 और ये माइनस में कितना 0.5 तो ये कितना आ गया 3.15 तो ये क्या POH है pH की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.85 pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी पहले भी निकाले थे ना अपन ने 5.15 हाँ तो नोट कर लो एक मिनट ये स्क्रीन हटाएंगे डिफरेंस yes. होगा नहीं सर एक मिनट रुक जाना एक फाइल अभी क्या हुआ सर पेपर ले रहे होंगे शायद पावर कट हो गया था मैं अभी थोड़ी देर निकल गया क्वेश्चन करवाया सर क्वेश्चन वही वाला आगे कर रहे थे ना यही करवा रहा था उसी का पीएच हटा दें अब यस सर नहीं सर एक मिनट सर अरे हटाए बोलो ना भाई सर चलो देखना सर यहाँ आपको पता कैसे चला कि अल्फा नेग्लिजिबल है वो वाला फॉर्मूला कैसे यूज किया मैंने बोला ना 10 का पावर माइनस 4 से जैसे ही इससे कम हुआ ना तो आप नेग्लिजिबल कर दोगे तो 10 का पावर माइनस 5 दिया था ना केबी की वैल्यू सर वो 10 रेस टू माइनस 6 से अगर छोटा हुआ तो भी मैंने एक फिर उसके बाद बताया था ना आपको कि 10 का पावर माइनस 4 तक आपको रखना है इसके बाद सबको नेग्लिजिबल कर देना ठीक है सर चलो दूसरे टाइप के सॉल्ट में अपन आते हैं yes. दूसरे टाइप का सॉल्ट देखना ये तीसरे टाइप की सॉल्ट थर्ड वाला सी नाम देते हैं इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस CH3COOH प्लस में NaOH पीएच तो आपको पता है 7 से ज्यादा आने वाला है ना क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस है ये CH3 CH3COOH ने प्लस H2O अब बताओ CH3COOH मान लो ये C है मैंने बोला हाइड्रोलिसिस तभी पॉसिबल है जब दोनों का अमाउंट इक्वल है तो बाद में ये क्या हो जाएगा
जीरो जीरो और ये सी, तो इसका सबसे पहला पार्ट ऐसे करके पार्ट वन लिखे थे या पहला क्या बनाया था उसमें पहला मैंने पार्ट पार्ट लिखे थे वही नहीं ऐसे लिखते जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अच्छा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा या एनायनिक? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस या एनायनिक भूल गए रे आपके पास सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस यही ना प्लस एच टू आप लगाओगे तो क्या बन जाएगा ये सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्लस में ओ एच माइनस तो सबसे पहले के एच सी एच थ्री सी डबल ओ एच और ओ एच माइनस और नीचे में क्या सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस ये वन आ गया। सेकेंड इसके लिए रिलेशन बिटवीन कौन कौन सा के एच के डब्ल्यू और इस बार के ए आएगा। के डब्ल्यू आपको पता है एच प्लस और ओ एच माइनस इसको टू मान लिया के ए की वैल्यू क्या होगी सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस एच प्लस और नीचे कितना सी एच थ्री सी डबल ओ एच इसको थ्री मान लिया तो क्या करते थे सेकेंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा के डब्ल्यू अपॉन के एच। ये समझ में आ रहा है ना मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पहले करवा रखा है सारे कुछ उसी जैसे है। नेक्स्ट है इसके बाद ये थर्ड है रिलेशन बिटवीन के एच एंड एच रिलेशन बिटवीन के एच एंड एच बताओ सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एच टू ओ ये बना सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्लस में ओ एच माइनस ये सी है तो इधर कुछ नहीं सी माइनस सी एच तो सी एच और ये सी एच तो के एच की वैल्यू क्या हो गई सी एच स्क्वायर अपॉन में सी इंटू वन माइनस एच बताओ के एच की वैल्यू क्या होगी ऊपर सी एच स्क्वायर वन माइनस एच इसको वन मान लिया ना तो एच की वैल्यू क्या आएगी के एच अपॉन में सी का रूट बिल्कुल सब उसी के जैसे बस टर्म बदलते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर ठीक है नोट कर लो। आप थोड़ा ये नीचे क्या लिखा है वो कट रहा है थोड़ा आप दिखा सकते हो नीचे वाला कट गया क्या सर सर आप जूम आउट कर सकते के एच लिखा है ना के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर अपॉन में सी इनटू वन माइनस एच ऊपर से कैलकुलेशन कर लो ना सर इसमें हमने के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर लिया तो मतलब वो जब एच नेग्लिजिबल है तभी लिया था। हाँ हाँ अज्यूम कर लिया है ना के एच की वैल्यू काफी क्या है छोटा है नहीं सर एक मिनट नोट
देख लो, नीचे वाला ऊपर लिख है क्या, या हो जाएगा? हो गया सर, हो गया, हो गया सर, हो गया, हो गया सर। वो केएच क्या लिखा है थर्ड वाले में, सी एच स्क्वायर अपॉन अच्छा सी टू वन माइनस एच कॉमन माइनस एच प्लीज सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में सी इनटू वन माइनस एच, सी कट गया तो सी एच स्क्वायर अपॉन में, अगर एच की वैल्यू काफी छोटा है वन से, मतलब वन माइनस एच की वैल्यू वन के आसपास होगी, के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एच स्क्वायर। और एच की वैल्यू के एच अपॉन में सी का अंडर रूट, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट मेथड डिटरमिनेशन ऑफ पी एच, इस बार ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे पी एच निकालने के लिए क्या मिला हुआ है ओ एच, वहां पे क्या मिल रहा था एच प्लस, लेकिन यहाँ पे जो ओ एच माइनस मिला है उसकी वैल्यू क्या है सी एच, और एच को आप क्या लिख रहे हो सी इंटू के एच अपॉन में सी हो गया, सी जब अंदर जाएगा तो के एच इंटू में क्या आएगा, ये तो आपको क्या मिल गया ओ एच माइनस मिला ना, एच प्लस की वैल्यू क्या होगी के डब्ल्यू अपॉन में ओ एच माइनस, तो बताओ के डब्ल्यू अपॉन में ओ एच माइनस की वैल्यू कितना है के एच इंटू में रूट के एच सी, तो अब वैल्यू पुट कर ले अपन, देखना के डब्ल्यू और ये नीचे क्या हो जाएगा रूट के अंदर लेके चले जाते हैं ना, तो रूट के अंदर लेके जाएंगे तो के डब्ल्यू हो जाएगा और ये के एच इंटू सी का स्क्वायर रूट होगा। बताओ के एच की वैल्यू किसके इक्वल आई है, के एच की वैल्यू निकालना तो उसकी वैल्यू रख देते हैं के डब्ल्यू इंटू के डब्ल्यू और नीचे के डब्ल्यू अपॉन में क्या आया था के ए, मतलब के ए कहां पे गया ऊपर गया ना, तो ये कट गया, अब आपके पास क्या बचा के इंटू के डब्ल्यू अपॉन में, अब आप दोनों माइनस लॉग लो और मेरे को बताओ पीएच माइनस लॉग लेना है और बताना है, माइनस लॉग लोगे तो एक साइड पीएच में जाएगी ना दूसरे साइड का कैलकुलेशन, फिर ये आपने लास्ट पर्पल से क्या किया ये मुझे समझ नहीं आया सर, वो एक्स्ट्रा के डब्ल्यू क्यों डाला है, सीधा सीधा उसको के लिख सकते हैं ना, के डब्ल्यू इसलिए किया ना क्योंकि मैं सबको रूट के अंदर लेके चला गया, वो आ गया उसके बाद क्या किया उसके बाद के एच की वैल्यू पुट किया है, के एच की वैल्यू ये है के डब्ल्यू अपॉन में के ए, के की वैल्यू लगाओगे तो के डब्ल्यू अपॉन में के ए, तो के ऊपर चला जाएगा। हाँ सर, पी एच का वैल्यू हाफ लॉग माइनस लॉग के माइनस लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी, जैसे उसमें निकाले तो वैसे निकालना है, निकालू देखना एक साइड तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दूसरे साइड में अगर आपने माइनस लॉग लगाया है
माइनस 1/2 इधर रख दिया और लॉग के क्या हो गया, के ए प्लस लॉग के डब्ल्यू और इधर क्या आ गया माइनस लॉग सी। लॉग सी ध्यान से देखना, पीएच इक्वल टू माइनस को अंदर लेके जा, माइनस हाफ माइनस लॉग के ए है ना, क्या हो गया पीके ए हो गया, माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या हुआ पीके डब्ल्यू हुआ और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस लॉग प्लस लॉग सी। तो पीके डब्ल्यू अगर एट 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें सर तो बाहर माइनस नहीं होगा ना, नहीं अब बाहर माइनस नहीं हुआ है ठीक है। तो बताओ यहाँ से पीके डब्ल्यू तो 14 इंटू 1/2 7 और इन दोनों में क्या कॉमन हो गया 1/2, कहीं पे भी माइनस नहीं है ना पीके प्लस लॉग। अब देखो 7 प्लस समथिंग मतलब पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 क्योंकि आपने इस पर क्या लिया है स्ट्रॉन्ग बेस। हो गया सर। तो इसके बाद देखना एक मिनट सर। अब नोट करने के बाद फिर से सारा कुछ चेप लोगो एक जगह ना, बताओ के एच की वैल्यू के डब्ल्यू अपॉन में के एच बाई सी और पी एच की वैल्यू 7 प्लस वहां पे आप पीके ए, यहाँ पे पीके ए है तो पीके ए प्लस में लॉग सी, ये नोट कर लो 1 2 3। इसमें वो ए बी के बी एन वैसा कुछ नहीं आता, सेम होगा ना। ओके इसके लिए भी तो इनवर्स नहीं हो जाएगा, बता दे। नहीं सर हाँ सर हटा दो हटा हो गया। चलो देखना अभी तक नेक्स्ट में ऐसा है। एक क्वेश्चन कर लेते कैलकुलेट pH of a solution, calculate pH of a solution obtained by mixing 200 ml of 0.1 molar acetic acid and 50 ml of 0.2 molar calcium hydroxide। चलो ट्राई करो। अब के की वैल्यू दे रखा है किसके लिए CH3 COOH के लिए 10^-5।
CH3COH एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला CH3 COOH। अच्छा ठीक है, तो इसमें रिजल्टेंट क्या बनेगा, क्या कह रहे हो? रिजल्टेंट क्या बनेगा रिएक्शन में? सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट ही बनता है। एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 3/25 आ रहा है, कितना आया? नहीं नहीं वो गलत है, गलत है, गलत हो गया है। सर मेरे को ये समझ में नहीं आता ये सी कैसे निकालते हैं। सी तो दिया रहता है ना रे, अच्छा सी निकालते कैसे है? हाँ वो जब रिएक्शन होता है ना, मान ले टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे एक्स आ गया सॉल्ट का, ठीक है हाँ? नीचे टोटल वॉल्यूम कितना है 50 और ये 200, कितने से डिवाइड 250 हाँ। तो ये जो एक्स कैसे आता है वो जानना है, एक्स कैसे आता है वो जानना है, वही नहीं समझ में आता है मतलब वो जो ऐड करना है कैसे, मतलब जो रिजल्टेंट में वो कैसे निकलता है? देखना अगर मान ले ये ए प्लस बी और ये सी बना है हाँ। अगर इसकी दो मोल है, दो मोल तो ये जीरो होगा हाँ। तो बाद में टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बचेगा कुछ, क्या जीरो हो जाएगा ना? नहीं हाँ। तो ये बना कितना, दो होगा ना? ओके चार में, चार कैसे होगा रे? किसी का नहीं आया? एक मिनट, एक मिनट। लॉग फाइल कितना है? लॉग 5.07 सर, कितना होता है लॉग 5.07? इतने देर का क्वेश्चन नहीं था, पता नहीं कहाँ मिस्टेक कर रहे। ट्वाइस ये देखना, ट्वाइस CH3 सर क्या आ रहा है? तेरा क्या आ रहा है? मेरा 10.8 आ रहा है। 10.8 तो कॉन्सेंट्रेशन ये लगा रहा है तुम्हों का, गलत निकालोगे तो चांस रहेगा। CH3COOH होल ट्वाइस हाँ कैल्शियम, आधे लोगों ने तो रिएक्शन लिखने में ही गलत किया होगा, ये सही है, कितना गलत हो गया है। हाँ सर ये तो सही था सर, ये C 0.04 आ रहा है, ये देखना है इसका मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कितना है CH3COOH 20। इसका कितना है? 10। ये जीरो है, अब टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है?
पीओएच पीओएच दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है ना, ये और ये। जब हाँ ये टू है, टेन बना है। हाँ तो क्या दिक्कत, कहाँ फंसा था सर? तो टेन अब हाँ, यहाँ तक तो मेरा भी सही है सर। सर हेलो। हाँ हाँ सर, सर इसके बाद जो वॉल्यूम से 250 से डिवाइड करेंगे। आ रही थी मुझे, जा रही है। सी तो 0.04 है ना। एक मिनट आगे करने देना, देखना हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ C3C00 होल ट्वाइस, ये कितना होगा? 10/250 होगा। हाँ सर, होगा ना 0.04। ये कितना गया? 0.25 लेके ही किया, इतना तक ठीक है। अब इसके बाद देख, हाँ सर, इसका कंसंट्रेशन कितना है आपने पास? सॉल्ट, ये इसका कंसंट्रेशन है ना, ये वाला 0.04। ध्यान से देखना बिल्कुल। अच्छा तो फिर ये डायरेक्ट वैल्यू रख के तो नहीं आएगा आंसर? आ जाएगा ना, 7 प्लस पीएच कितना, पीके कितना है? पीके 14 प्लस में 5 प्लस लॉग कितना, 0.04 04 तो ये सही है ना? हाँ। वैसे लॉग 0.04 क्या होता है? रुको रुको, अभी 4 की वैल्यू 0.6 होती है ना, मतलब -2 प्लस 0.6 तो माइनस। हाँ रिज्वाइन करना है जल्दी से ना। 2 मिनट सर, रुको रुको, अभी काटना मत, 2 मिनट में कट जाएगा रे। सर आप मत काटना, हो भले अपने। सर मैंने के की गलत वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ तक सब सही था, 5 की जगह 9 पुट कर दी। गलत में ही आओगे हर ऐसे में तो। जब एसिड बेस का अमाउंट इक्वल होगा तभी हाइड्रोलिसिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अभी आंसर क्या रहा है? 8.85। आंसर तो अब निकाला नहीं है मैंने फाइनल, इससे जो आ जाए अब 7 प्लस में 2.5 और ये कितना है लॉग 0.04 माइनस 2 प्लस में 0. कितना? 7.4 माइनस 1.4 कितने आ गए? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब नेक्स्ट में आप हेडिंग बनाना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ। लास्ट वाले का आंसर 9.1 आया। अरे अब
आंसर नहीं देखा तो मैंने क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इसका कुछ नक्की नहीं होता ना सब हो जाएगा देखना आ रहा है ना देखने इधर CH3COOH प्लस NH4OH दोनों वीक कंपोनेंट है CH3COO माइनस और NH4 प्लस क्या गया H2O ये अगर C है तो ये भी C जीरो 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 और ये C अब बताओ इसका हाइड्रोलिसिस होना है जनरल हाइड्रोलिसिस दोनों का होगा दो रिएक्शन अपन लिख लेते हैं ना देखना ध्यान से सबसे पहले NH4 प्लस H2O क्या बन जाएगा CH3 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 CH3
अब इन दोनों को ऐड करें, ऐड करें तो H2O प्लस। अब ध्यान से देखना है इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, ये H2O ये वाला हटा दें। हाँ अरे एक H2O जाएगा तो H प्लस और OH माइनस जाएगा ना। हाँ हाँ ऊपर वाला रिएक्शन वापस से आ जाएगा रिवर्स स्टोक। एक मिनट, हाँ NH4 प्लस प्लस में CH3COOH माइनस प्लस में H2O और ये इधर क्या हो गया CH3COOH प्लस में क्या NH4 NH4OH। मतलब है कि अगर अपन केज की वैल्यू लिखे तो CH3COOH और NH4OH और कितना अपन NH4 प्लस और CH3COOH माइनस और NH4 प्लस प्लस। सर ये दोनों प्लस प्लस माइनस थे मतलब वो साथ में आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे ना ये जो। हाँ तो आयोनिक कंपाउंड ही रहते लेकिन दोनों दोनों सेपरेटेड रहते हैं ना क्योंकि वाटर भी तो मिला रहता है। ओके मतलब ये फिर वो ऊपर जैसा पूरा बनेगा नहीं ना कंपाउंड, अलग अलग आयन्स के फॉर्म में रहेंगे ना। हाँ ये पहला इक्वेशन हो गया सर। हो गया नहीं नहीं सर हो गया सर। चल इसके बाद देखना सर एक मिनट, मेरे घर पर भी लाइट गई। क्या है क्या बोल रहे हो मेडाइटी में? बोल रहा है उसके घर पे भी लाइट गई। अच्छा हटा देना। यस सर। चलो आगे देखना इधर। सबसे पहला अपन ने लिख लिया, सेकंड वाला लिखते हैं। रिलेशन रिलेशन बिटवीन के डब्ल्यू K W K A K B K B भी तो आएगा ना इस बार। हाँ हाँ K W की वैल्यू आपको पता है कितना है? H प्लस और OH माइनस OH माइनस तो K A की वैल्यू क्या होगी CH3COOH माइनस और H प्लस और नीचे क्या आएगा CH3COOH। K B की वैल्यू क्या आएगी NH4 प्लस OH माइनस और नीचे NH4 OH। ये कौन सा रिएक्शन हो गया सेकंड थर्ड फोर्थ 2 डिवाइडेड 3 इंटू 4 क्या आने वाला है?
टू डिवाइडेड थ्री इंटू फोर करोगे तो के डब्ल्यू अपॉन में के इंटू के बी इक्वल टू के एच, के एच के इक्वल आता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फोर्थ पॉइंट थर्ड वाला रिलेशन बिटवीन के एच एंड एच सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एन एच फोर प्लस प्लस एच टू ओ, ये इधर सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्लस में एन एच फोर ओ एच, बताओ ये सी सी बाद में सी माइनस सी एच सी माइनस सी एच और ये भी कितना सी एच और सी एच, ठीक है यहां तक? हाँ सर। अब इसके बाद देखना के एच की वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सी एच स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में सी एच स्क्वायर वन माइनस एच का होल स्क्वायर होगा, यही आएगा ना? हाँ सर। सी एच स्क्वायर से सी एच स्क्वायर को नहीं, तो बताओ यहां से ध्यान से देखना सी स्क्वायर सी स्क्वायर गया। अब यहां से इसके बाद फिर से वही मान लेते हैं कि वन की वैल्यू काफी बड़ी है एच से, वन माइनस एच वन के इक्वल तो एच स्क्वायर एच की वैल्यू रूट के एच, एच की वैल्यू के एच, वहां पे के एच अपॉन में सी आता था उन दोनों में, यहाँ पे ओनली रूट के एच आया, ये नोट करो उसके बाद पी एच निकालते हैं। सर इस चैप्टर में कुछ ज्यादा ही रिलेशंस नहीं है, अभी तो बफर सॉल्यूशन आएगा फिर टाइट्रेशन आएंगे फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा। ये चैप्टर कब खत्म होगा? लगेगा ना इसमें कम से कम 10 दिन। सर आप कब जाने वाले हो, मतलब दिवाली के बाद? 10 दिन के बाद। लेकिन इसका क्वेश्चन आता है ना एडवांस में, तो देखो कितने चैप्टर मिले रहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, 7 चैप्टर मिला के क्वेश्चन। मॉडर्न केमिस्ट्री ऐसा कुछ होता है? नहीं, मॉडर्न फिजिक्स होता है सिर्फ, वो मॉडर्न फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री मॉडर्न ही है। चलो अब एक और बचा, एक मिनट डिटर्मिनेशन ऑफ पी एच, डिटर्मिनेशन ऑफ पी एच कहां से निकालोगे, सी एस थ्री सी डबल ओ एच ब्रेक करने पे सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एच प्लस एच प्लस, तो के ए की वैल्यू क्या होने वाली है? सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस और एच प्लस, यही एच प्लस सी एच थ्री सी डबल ओ एच, बताओ के ए इक्वल टू सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस की वैल्यू कितने है? क्या लिखे? नहीं पता है, डायरेक्ट अपन यहां से एच प्लस की वैल्यू वैसे देखना, ये वाला जो रिएक्शन अपने पास मिला H प्लस H प्लस की बात करें अपन तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से CH मिलने वाला है ना, हाँ,
इसका सी एच ही मिलेगा ना, अगर एच प्लस की वैल्यू अपने को सी एच है और एच क्या है के एच है, तो सी की वैल्यू के एच क्या है, के डब्ल्यू अपॉन में के इंटू के बी है, ठीक है। एच पे गलत तो नहीं किया ना, के डब्ल्यू अपॉन में के इंटू के बी, सी की वैल्यू सी जब अंदर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा ये स्क्वायर, इसका एक बार पीएच निकाल के मेरे को बताओ तो कितना है, थोड़ा सिंपलीफाई करके बताना, जैसे इसमें पीके डब्ल्यू के टर्म में आएगा और पीके ए और ये और पीके पीके बी, दोनों दोनों नोट कर लो। अरे सर ये तो क्या बन रहा है यार, कैसे याद रखेंगे, क्या है ये सब, याद नहीं रखना है, ये तो डेरिवेशन है, वो याद रखोगे तो के अंदर ले ले, सी को भी अंदर ले ले, सी स्क्वायर करके इधर वाला हटाएं क्या, हाँ सर देखना, इससे थोड़ा लगता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है। H प्लस की वैल्यू कर रहे हो तो P के डबल यू प्लस टू लॉग सी मतलब माइनस टू लॉग सी, वही ऐसा ही कुछ आ रहा है, प्लस ही रहेगा माइनस P के माइनस P के भी, तो फाइनल ऐसा कुछ आना चाहिए, हाँ P के डबल बाय टू P के A प्लस P के W प्लस P के B P के A प्लस P के B और माइनस सर टू सी लॉग सी, सर एक पी के प्लस है तो पी के बी माइनस कैसे हो सकता है, तो देखना इधर एच प्लस की वैल्यू अगर इससे अपन चले सर, हाँ सर इसमें लॉग सी भी अब कर रहे हैं ना, अभी एक मिनट ना, पी के बी भी प्लस होना चाहिए और पी के डबल माइनस, दोनों माइनस आ रहे हैं, H plus equal CH3C double O minus, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, CH के इक्वल हो गया, एक बार वैल्यू पुट करके देखे अपन, ये CH3C double O minus CH और ये H plus, नीचे का क्या हो गया 1 minus H हो गया, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें अपन, H plus equal to KA upon में 1 माइनस एच, अब नीचे कितना आ गया पीएच 1 माइनस एच 1 के बराबर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा एच एच कट, हाँ के अपॉन सी एच माइनस एच को मानी होने वाली है, सी नहीं बचना चाहिए, सी पता नहीं कैसे सी कहां चला गया, तो सी की वैल्यू चलो सी भी वेरी मच लेस देन 1 उसको भी हटा दो, नहीं नहीं कहीं हो रहा है, निकल जाएगा सर, ये नोट नहीं करना था, नोट नहीं करना था, एक मिनट पीछे ट्राई, अरे भाई ये लिखना आधा लिखा, आगे लिख रहे हैं अभी जो आंत तक तुम लिखे थे ना, सी एच थ्री सी डबल ओ, सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एच प्लस, क्लियर है। अगर बात करें अपन के ए की वैल्यू सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस और ये एच प्लस, एक सी बच रहा है ना अपने पास, एक तो कैंसिल होने वाला है,
इसके लिए रखे तो इसका बचेगा, तो इसका क्या लिख सकता है, सी एच थ्री सी डबल ओ एच का सी एच और ये एच प्लस और नीचे क्या हो गया वन माइनस एच, मतलब सी बचा, सी से सी गया ठीक है, एच प्लस की वैल्यू इसके इक्वल वही वही वन माइनस एच इनटू के अपॉन एच तो c स्क्वायर नहीं हो जाएगा, c स्क्वायर h नहीं, वो h प्लस पूरा ऐसा ही है, वो h प्लस भी c h है ठीक है, h प्लस की वैल्यू डायरेक्ट लिखा है तो 1 माइनस h k और नीचे क्या बचा हुआ है h h, तो इसकी वैल्यू बताओ k अपॉन में क्या आती है रूट k h, यही आती है ना अभी निकाला तो पहले हाँ और के एच वैल्यू क्या था, मतलब जो हमने लिखा था उसमें खाली वो सी नीचे का काट देना वही करना है ना, के एच की वैल्यू पूरी क्या थी, एच पूरे का स्क्वायर एच स्क्वायर के डब्ल्यू अपॉन के माइनस एच टू के बी के सर रूट के डब्ल्यू और ऊपर में के तो ऊपर जाएगा क्या है सर, सर वो वाला के भी गया, अरे पूरे में रूट क्यों आया, वही से सबसे पहला के रूट में नहीं है, हाँ अंदर ले लिया ना एक ही नहीं बचना तो चाहिए, उसका भी एक के तो तीन के होना चाहिए, तीन के होने चाहिए तो स्क्वायर कर दो, इसके दो पर वो के एच का एक, अरे बोलो तभी हम लिखेंगे, अभी ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, लिख ही नहीं रहे सर आप, ये बात कैंसिल काटो अच्छा होगा, अब सर दिवाली के बाद ही पढ़ते हैं ये सर, जहाँ तक मतलब ये लिखे हो ना यहाँ तक, इसके बाद तीन चार लाइनें छोड़ दोगे और डायरेक्ट अब पीएच का फॉर्मूला लिख लोगे 1/2 माइनस ठीक है, माइनस एक होता है सर, एक प्लस एक माइनस ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों प्लस या दोनों माइनस, ये फॉर्मूले लिख रहा हूं ना कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, एक बार क्रॉस चेकिंग करते हैं ना अभी, शायद वो तो आंसर क्या है जी लोग बोल रहा है इसीलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, ये सर ये आंसर नहीं है, हो सकता सर ये कुछ ऐसा अनश्योर है सब, इसमें कुछ नक्की नहीं है, 19-20 होगा कब बेसिक होगा, जैसे मैं एग्जांपल देखो ऊपर लिख रहा हूँ, सर लॉग सी तो ऐसे कट गया, ऐसे कैसे कट गया लॉग सी, ऊपर वाले में तो आ रहा था पहले जब निकल रहा था, तो बोला कैलकुलेशन फॉर्मूला लॉग सी आ रहा था वही देखना, एनसीईआरटी का बैच है तुम लोगों का बस फॉर्मूला स्कूल में नहीं है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ठीक है चलो स्कूल में ऐसा पढ़ा भी नहीं पाएंगे, बस ये 14 आ जाएगी 7 प्लस नाउ ठीक है माइनस में ठीक है केस 1 अगर ऐसे लिख लेते हैं कि पी के इक्वल टू क्या हो जाए ठीक है भी तो 7 पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 मतलब न्यूट्रल 25 केस टू ऐसे ले लेते हैं अपन किसी एक को ज्यादा ले लेते हैं ठीक है ऐसे कर लेते हैं पी के वी ग्रेटर देन पी के ए तो बताओ एसडी का एक सेवन एसडी का आएगा एसडी का आएगा मतलब जब भी आपके पास वीक एसिड और वीक बेस तो वो डिसाइड तभी होगा जब आपके पास कौन बड़ा और कौन छोटा है छोटा
क्या हो गया ये सर? पीके बीज ज्यादा मतलब वीक बेस है ना, पीके बीज हाँ केस थर्ड है इसमें। ये कैसे याद रखेंगे सब, बहुत लंबा है ये तो। ये पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 7 और क्या हो जाएगा बेस ए3। फॉर्मूला के बिना कुछ सॉल्व हो सकता है ऐसे? टोटल चार्ट है आपके सॉल्व। ये तो फॉर्मूला वाला तेरे को जेई मेंस में पूछेगा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते, लेकिन जब भी जैसे जेई एडवांस मेंस में भी कभी कोई पूछते बीच वाला स्टेप, क्योंकि सबके लिए क्या थी पीएच की वैल्यू अलग अलग आ रही थी ना। अरे चार्ट टाइप करना पड़ेगा, पहले वाले के लिए तो हाइड्रोलिसिस ही पॉसिबल नहीं था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले के लिए ठीक है। सेकंड वाले के लिए मान लो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक वीक बेस है, पीएच की वैल्यू क्या होती थी? kw अपॉन में kb 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 जो वीक w अपॉन k kw अपॉन k kw अपॉन kw अपॉन k kb kw अपॉन k to kb। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे, पीएच की वैल्यू क्या होगी kw अपॉन में ka into p, पूरा पढ़ना पड़ेगा ये सर्कल। दो साल तक कैसे याद रखना है बात? अभी इतना ही रखो, मेरी नोटबुक भी खत्म हो गई अभी तो नहीं ले ले अब डायरेक्ट, मतलब उसमें लग तो पड़ी है सर। अभी सॉल्ट का नेचर अभी आइडिया तो लग जाएगा कि सबसे बड़ा होता है। बोले अगर सॉल्ट का नेचर जैसे पता चल गया कि मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या फिर बेसिक है, इतना आइडिया लगेगा ना कि 7 से वैल्यू कम हो रही है 7 से ज्यादा हो रही है ज्यादा। फॉर्मूला के प्लस माइनस का डिफरेंस है ना। अरे कितने सारे प्लस है कितने सारे माइनस है भाई, अगर बाकी दोनों होते मतलब एक ही जैसे, आपके पास अगर वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड है तो पीके आता है ठीक है, दोनों में कॉमन है। तो ये नेचर का सॉल्ट क्लिक होना चाहिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ये चैप्टर तो ज्यादा ही ऐसा चैप्टर नहीं देखा जो खत्म ना आज का। हाँ आज का काम खत्म, अभी तो इसके बाद हाइड्रोलिसिस एमपी प्रोटीक अनायन का बचा है वो मंडे को सर। अच्छा कल, ओ चलो ठीक है, कल तो हमारा सैटरडे है, आज कल सैटरडे मतलब क्या कल पार्टी करेंगे। हाँ थैंक यू सर।